विधानसभा चुनाव 2018 के लिए दूसरे दिन डाक मतपत्र के द्वारा मतदान क्रिया हुई संपन्न। मतदान जिसे आज सबसे बड़ा दान माना जाता है की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गई है। जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 28 नवंबर को होने जा रहे हैं, जिसे अधिकारी कर्मचारी संपन्न कराएंगे। जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव संपन्न कराने में लगाई गई है, उन्होंने आज मतदान किया। मतदान चिरौला में पुलिस सामुदायिक भवन में हुआ। आइए आपको लेकर चलते हैं सामुदायिक भवन और दिखाते हैं वहां का नजारा। जितने लोग उतनी बातें, जहां कांग्रेसी प्रत्याशी के एजेंट ने भाजपा पर खुलेआम चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया, वहीं कई लोगों ने अव्यवस्था की बात की। प्रशासन सबको मतदान का अधिकार देने की बात कर रहा है। उसका कहना है कि उन्हें इतवार को भी वोट डालने का मौका मिलेगा। मैक्सिमम अपने को 5 लोडर बस, हाँ मैक्सिमम। क्या आप वंचित हो गए वोट डालने से? नहीं, मैं पीठासीन अधिकारी सिमरिया हूँ जी। अब क्या करें, और वहाँ इस तरह की व्यवस्था है कि न तो पावती दे रहे हैं, और किस तरह से वो कोई फार्म उठा ले जाए तो उठा ले जाए। पूरी अव्यवस्था का शिकार है यहाँ पर मतदान। बिल्कुल सर, देख लीजिए आप, चलिए आप हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सिंह।
समस्या। मेरा नाम कर्मचारी है, मैं रीवा विधानसभा का वोटर हूँ, बोर्ड विधानसभा में बीएलओ हूँ। ना वहाँ से मेरे को ऑर्डर मिला तो बीएलओ काम करने का, और ना यहाँ वोटिंग डलवा रहे हैं, यहाँ कहते हैं कोई व्यवस्था नहीं। क्या मानते हैं आप, वंचित हो जाएंगे वोट डालने से? अभी हमने गृह प्रवाचक से बात की, उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में आपका नाम लड़वा देंगे, ऑर्डर दे देंगे, इस बार रहेंगे। अभी अभी मैं 2 मिनट पहले बात की। आप कहाँ रीवा के वोटर हैं? रीवा के वोटर। आपका मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया? छीन लिया गया। क्या नाम है? दिलीप कुमार तिवारी। फार्म भर के हमने जमा किया, और जमा करने के बाद हम लगभग इंतजार करते रहे 3-4 घंटे। उसके बाद जब हम संपर्क करने गए कि क्या हमारा वोट पड़ेगा, बोले बीएलओ का कोई वोट नहीं पड़ेगा, ऑर्डर नहीं है। अगर ऑर्डर नहीं है बीएलओ का वोट नहीं पड़ेगा। फिर हमने गुड़ प्रवाचक से धीरेन्द्र पटेल जी से संपर्क किया, उन्होंने कहा हम आपका नाम आपके लिए आपका ऑर्डर हम लोकसभा में दे देंगे, इस बार आप छोड़। क्या खतरा है आपको? क्या हमारा खतरा ये है कि हमारा वोट नहीं पड़ेगा, हम वोट से वंचित हो जाएंगे, और हमारा फॉर्म जमा है तो हो सकता है कि हमारा वोट भी कोई डाल दे। कर्मचारी रीवा के, हर जिला अध्यक्ष के लिए एक बार कर्मचारी संघ के रीवा के। समस्या यह आ रही है कि पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कर्मचारियों की, कि आप जब भी देख रहे हैं कर्मचारियों को हजूम, हजारों कर्मचारी वोट डालने से भी वंचित हैं, जबकि ऐसा लग नहीं रहा कि आज पूरे कर्मचारियों के मत पड़ जाएंगे। तो हमारी ये मांग है कि कर्मचारियों के मत का प्रयोग करवाया जाए और कल फिर वोटिंग कराई जाए। अरे यार नहीं तो फिर व्यवस्था सुचारू से करना था, जैसे पूर्व में होता था टीआरएस कॉलेज में, 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा की अलग अलग पेटी रखवा दी जाती थी, और वहाँ यह व्यवस्था नहीं होती थी, सभी कर्मचारियों पर मत का प्रयोग कर लेते थे। किंतु ऐसा इस बार नहीं किया गया, पहले के ये प्रक्रिया अपनाई गई कि हर कर्मचारी हर विधानसभा में जाके मत डाले। ये गलत प्रक्रिया है, जब कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी लगी हुई है हर काम में, जैसे उदाहरण के मेरी भी कम्युनिकेशन प्लान में ड्यूटी लगी हुई है, और मैं यहाँ कम्युनिकेशन प्लान का कार्य में एंगेज हूँ, मैं मत डालने देवतलाब कैसे पहुँचूँ? जा रहा था मत डालने के लिए, फिर हमको टेलीफोन आया कि नहीं आप जरूरी काम है कम्युनिकेशन प्लान के लिए आइए। मैं रायपुर से वापस आया, फिर मऊगंज जा रहा था मत डालने के लिए, फिर पता चला जब कलेक्ट्रेट में गया कि नहीं ये सामुदायिक भवन में सभी विधानसभा के मत पड़ रहे हैं, आप वहाँ जाइए। यहाँ आया, ठीक है मैं तो अपने मत का प्रयोग कर लिया, चूँकि देवतलाब में भीड़ कम थी, पर रीवा के मैं आप देखिए कि हजारों कर्मचारी भी। कहाँ से? रीवा किनारे से आए हैं, 10 किलोमीटर। जब मैं यहाँ आया तो मैं देखा बहुत सारे लोग वापस जा रहे थे, तो हम लोगों से बोला, उन्होंने बोला कि यहाँ व्यवस्था है, वोट हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं। बोले क्यों ऐसा हो? तो बोल रहे कि एक काउंटर है, बहुत भीड़ है, तो हम लोग वोट नहीं डाल रहे। इस संबंध में हमने अधिकारियों से चल दी तो उन्होंने संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं दिया। बोले कि नहीं नहीं वोट पड़ जाएगी, वोट ऐसे पड़ती, इस तरह के बोला। तो हमने वो चीज़ समझा कि मैं बड़े अधिकारियों पर कलेक्टर मैडम पर फोन लगाया, और लोगों ने फोन नहीं रिसीव किया, और लोगों से मैं संपर्क किया कि इस तरह में वोट पड़ना चाहिए, फिर नहीं हो तो फिर मैं आप लोगों को भी सहारा लिया, सब खुल रहा है, और मेरा कई मत पेटियों में सील बंद नहीं। ऐसा भी मैंने बोला कि जो सील, इसमें हमको शंका है, मुझे शंका है कि जो बहुत पहले से मेरी शिकायत है कि जो यहाँ के स्थानीय एसपी हैं, यहाँ के कलेक्टर हैं, मुझे ऊपर शंका थी। कई बार मैं इलेक्शन में मैं शिकायत कर चुका हूँ कि इस तरह गड़बड़ी हो सकती है, पहले भी मेरे कई बार शिकायत है, और उसी की संभावना मुझे व्यक्त हो रही है कि हमको ये बोला गया कि आप नहीं जा सकते इलेक्शन एजेंट है। हमने बोला, मुझे मीटिंग में समझाया गया कि आप बराबर जा सकते हो, अपना मत देख सकते हो, सील करा सकते हो, इस तरह के अधिकारियों को द्वारा जिसे कहा गया, तो मुझे शंका है कि इसमें गड़बड़ी होने की ज़्यादा संभावना है। को प्रभावित किया जा रहा है, प्रभावित किया जाना, क्योंकि जो हमको लग रहा है कि कर्मचारियों का मूवमेंट कुछ और है, इनको कई शंका है, बीजेपी वालों को भी, एक बीजेपी के नेताओं के द्वारा के इशारे पे यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। और सब पुलिस अधिकारियों के लिए 22 तारीख को की गई थी, और तहसीलों में अन्य कर्मचारियों के लिए थी। आज यहाँ सभी के लिए डालने के लिए व्यवस्था की गई है, और सभी के वोट डलवाए जाएंगे, कोई बिना वोट डाले नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग असंतुष्ट भी दिख रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। कहाँ के लिए असंतुष्ट है? हमसे तो कोई असंतुष्ट नहीं, लापरवाही के चलते वो मत पत्र नहीं डाल पा रहे हैं। अरे डाले ना, अब समय तो लगता है, डाले हम लोग तो जा नहीं रहे हैं। नहीं, काउंटर एक बनाया गया है जिसमें इतनी सारी भीड़ है। नहीं, तहसीलों में भी डलवाया गया है, हर तहसील में डाला जा रहा है, यहाँ अतिरिक्त सुविधा दी गई है, और कल भी डाला जाएगा तहसील में। जो लोग आज चले जा रहे हैं वो कल आके डाल सकते हैं।